अंगद दुख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्यामो हृदय त्यामो श्री गुरु राम दास गुण गावो श्री अर्जन बिघ्नन के नाशक बिघ्नन के नाशक श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी गुरु तेग बहादुर परम केर पाला परम केर पाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला धरों धरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंद हो बार बार जगदीश एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब ओदद बंदो कर अनुराग एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए तन तन सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतर जामी दीन दुनिया दे मालक चावर छतर तखत दे मालक बड़े समर्थ सच्चे पातशाह अंतर जामी दीन दयाल कृपाल अंतर जामी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर वाहेगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह दासां गरीबां दे उत्ते सदा ही मेहर करन वाले बख्शिशां करन वाले समर्थ गुरु परतख गुरु तन तन अंतर जामी सच्चे पातशाह जी महाराज तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बड़े ही प्यार दे नाल अपनियां सुरतियां नूं एकागर करदियां होयां प्यार सहित दोवें हथ जोड़ के कहो जी तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज महाराज सच्चे पातशाह जी दी अमृतमयी हजूरी दे अंदर सुभायमान हो के आप जी गुरबाणी दा रस पिना कीर्तन सरवण कर रहे सी आओ बड़े ही प्यार दे नाल सारी संगत दास दी ते अपनी हाजरी हजूर सच्चे पातशाह जी दे चरणा विच लवाओ जी दोवें हथ जोड़ के
प्यार सहित गज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे पेरी दे मालक सतगुरु गुरु छेवें पातशाह जी महाराज तिन्हां दा पवित्र इतिहास आप समूह संगत बड़े ही प्रेम सहित सरवण कर रहे हो। संगत जी सच्चे पातशाह जी महाराज दीने कांगड़ वाहेगुरु कांगड़पुर की धरती ते आके सजे राय जोध नूं हुक्म कीता भी तू अपने घर जा पाई। राय जोध अपने घर गया जी। राय जोध की पत्नी जो कि बहुत भागां वाली है, राय जोध की पत्नी दे अंदर भी गुरु जी दे प्रथाए बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। बड़ा ही नेक सुभा है राय जोध की पत्नी का। जदों उन्हें अपने पति नूं देखिया अपने पति दे दर्शन किते बड़ी खुश होई जी। नाल ही उहदे शरीर ते जिहड़े जख्म होए उहनां नूं वेख के होर खुश होई जी। क्यों? उन्हें विचार कीती पति जी गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दे नाल जंग विच तुसीं महाराज सच्चे पातशाह जी दी मेहर दे नाल जंग करके आए हो। यह जख्म भी साडे वास्ते बड़े चंगे ने। इन्हां जख्मां ने पता नहीं किन्ने कु पापां नूं कट देना। फिर बड़ा कुछ उन्हें आखिया जी। राय जोध नूं पुछिया पति जी राजा जी तुसीं मेरे तो वध किते भागां वाले हो, तुसी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे नाल रह के आए हो, नाल रह के मैं असी ते दूरों दर्शन करन दा सानू हक है, तुसी सच्चे पातशाह जी दे नाल रह के आए हो ते गुरु हरगोबिंद साहब जी दे बारे कोई बचन सुनाओ। गज के आखो वाहेगुरु वाहेगुरु। राय जोध दी पत्नी ने बचन आख्या, पति जी श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी बारे कोई बचन सुनाओ। राय जोध ने अगों बचन सुनाया। गुरमुखो जिन्नी किसे दी मत पवित्र हुंदी जांदी है ਉਹ ਉਹਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਚਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਣੀ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਰਾਣੀ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਆਖਿਆ, ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਣੀ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣੇ ਸੀ ਸਭ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਹੈ
महाराज कदी भी तुहाडा चेता ना भुले, सदा ही तुहानू चेते करदे रहिए। ऐसी कृपा करो हे सच्चे पातशाह, तुसी साडे मालक हो, असी सच्चे पातशाह तुहाडे नौकर हाँ। सच्चे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब अहीं तुहाडा ही दिता खाने हाँ महाराज, असी तुहाडा दिता खा रहे हाँ। बहुत राणी ने सिफतां कीतियां, सच्चे पातशाह जी का जस किया, उपरंत राणी अपनी पालकी च चढ़ के गुरु साहब के कोलों अपने महलों में आ गई जी, प्रशादा पानी कलिया। गुरमुखो एहो जिहियां जोड़ियां भी धुरों ही आउंदियां जी, गज के आखो वाहेगुरु, जिन्हों के अंदर इन्नी श्रद्धा, इन्ना प्यार, इन्ना सत्कार, इन्ना सिखी दे प्रति चा, ये धुरों ही ऐसिया रूहां आउंदियां जी, जिन्हां ने गुरु साहब जी दे नाल रह के गुरु जी दियां वड्डियां खुशियां प्राप्त करनियां हुंदियां जी। राए जोध ने ते राणी ने बड़ी खुशी सच्चे पातशाह दी प्राप्त कीती, बहुत खुशी प्राप्त कीती। हुण अजकल सच्चे पातशाह जी महाराज कांगड़पुर दी धरती ते मुड़ आ के सुभाईमान होए ने। अगों जिहड़ी कथा चल रही है वह आप जी बड़े प्यार दे नाल सरवण करो, ते सारी संगत बड़े ही प्यार दे नाल साध संगत जी दोवें हाथ जोड़ के उच्चारण करो, धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल सारी संगत आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब, फिर आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। हित अखेर के गमन क्या गन चमु पयानी, सच्चे पातशाह जी महाराज तन गुरु हरगोबिंद साहेब जी कांगड़पुर विच आया नू चौथा दिन सीगा जी। चौथे दिन सच्चे पातशाह जी ने राजे नू आख्या, भाई राजा राय जोध अज चित करदा भी जंगल विच चलीए ते शिकार खेडिए, जंगली जीवां दा भला करिए, क्यों बड़े बंदे शंकालू हो जांदे जी। हाँ जी, पर गुरमुखो शरदा बहुत होवे शंका एक भी माड़ी है जी, ये ते कांजी दी बूंद है जी, मना मुई दुध नू खराब करके रख देंदी जी। हाँ जी, क्यों महाराज शिकार ते चले ने, शिकार जदों महाराज ने जाना उत्थे उड़ीक रहा अज सच्चे पातशाह नू कोई जी, शिकार वा शिकार करदिया करदिया सच्चे पातशाह महाराज ने फौजां नाल लईया जी। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे चलो भाई शिकार ते चलिए अज आपां। हाँ जी, संग जोध चढ़ कर चलियो हित सेव महानी, सेवा करन वास्ते रस्ते विच राए जोध भी नाल, शिकार वास्ते महाराज सच्चे पातशाह जी दे नाल जा रहा है। हाँ जी, कितक कोस लो चल गए फिर कर मन पायो, सच्चे पातशाह कुछ को तक चलदे गए बड़ा आनंद बनिया जी। राय जोध सच्चे पातशाह जी दे नाल, गुरु कियां सिख फौजां सच्चे पातशाह जी दे नाल ने, भाई बिधी चंद जी गुरु जी दे नाल ने, बड़ा ही आनंद वाला समा बनिया पिया। हाँ जी, डेरा कीनस तिसी थल पिख थान सुहानो, करदिया जंगल विच इक सोहनी थां मेरे सच्चे पातशाह ने देखी, उस थां ते पड़ा कीता महाराज ने, डेरा कीता एक रुख दे हेठां सच्चे पातशाह सज गए जी। हाँ जी, उत्तर तुरंग ते खरे होए किश भट ढिग आयो, ते गुरमुखो जिन्ने सूरमे सन सारे घोड़िया तो उतर गए, जिथे सच्चे पातशाह जी महाराज आके सज्जे ने, आसे पासे सारे खलो गए जी, सब सिख बरशे लै के सावधान हो के तन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे आले दुआले खलो गए जी। हाँ जी, जोध राए सो बात कहै श्री मुख बिकसाए, सच्चे पातशाह दे पास ही एक बन्ने राए जोध बैठा है, राए जोध दे नाल सच्चे पातशाह हाल हास बलास दे बचन करन दे, गज के आखो वाहिगुरु। हाँ जी,
हास बलास दे बचन करन दे जी, सारे बचन गुरु जी करदे ने, प्रेम दे भी बचन करदे, बैराग दे भी करदे ते हास बलास दे भी कर रहे जी। सच्चे पातशाह हास बलास दे बचन करन दे राय जोध दे नाल। हां जी, एक अजगर भारी महा निकस्यो मुख बाए। गुरमुखो सच्चे पातशाह बचन करन दे सामने एक पासे एक थलो ही साध संगत जी बड़ा वड्डा अजगर निकल आया जी, बहुत वड्डा अजगर सप जिन्हों कीड़े पए हुए सीगे जी, ओ सप बड़ा वड्डा ओदा मुख, एक अजगर भारी महा निकस्यो मुख बाए। भाई साहब लिखते ने मूँह टड के ओ अजगर सप ऐ बार आ गया जी। हां जी, दारुन दीर्घ दुखी बहो गम नत फुनकाए। बड़ा लम्मा ओदा कद सीगा जी, बहुत लम्मा सीगा जी। हां जी, ओ अजगर सप ते दुखी बहुत सीगा जी, ओ गज के आखो वाहेगुरु। दारुन दीर्घ दुखी बहो गम नत फुनकराए। गुरमुखो फुनकारे मारदा होया ओ अजगर सप गुरु छेवें पातशाह जी दे वल आ रहा जी। महाराज एक रुख दे हेठां बैठे, आसे पासे सिख खलोते ने, एक पासे राय जोध है जी। गुरमुखो सप होवे सही, सप नूं वेख के कई बंदे डर जांदे जी। हाँ जी, कई बंदे डर जांदे जी, जदों सप सामने आ जाए सप भी नहीं चंगी तरह आख्या जांदा जी, फिर ते हाप ही मुखों निकलदा जी। हाँ जी, बड़ा ही भयानक अजगर सी ओ, ऐ बाहर निकल गया जी। हाँ जी, सनमुख आवत गुरु के गत चक्र बकंता। बड़ा टेढ़ा मेढा चलदा होया ओ सप सीधा ही गुरु हरगोबिंद साहब जी वल आ रहा। गज के आखो वाहेगुरु। हाँ जी, पशु प्रेत मुगध को तारे, ओ सप सीधा ही गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे वल आ रहा है। हाँ जी, नीठ नीठ ही चलत है चित मृत्यु चहंता। बड़ी हौली हौली चल रहा जी, हौली हौली जी। हाँ जी, है वड्डा जी भयानक जी, दुख नाल भरिया पिया सप, हौली हौली चलदा चलदा उस पासे आ रहा जी जिधर धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह सजे ने। हाँ जी, पट दौरे तेह बरजबे को चहत प्रहारा। सूरमे सिख जेड़े गुरु जी दे नाल सन ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰੀਏ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਤਬ ਬਚ ਊਚ ਉਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਪ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਜਗਰ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਚੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਚੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਟ ਕਹੋ ਨਹਿ ਪਰਹਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕੋ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੁਕੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਨ ਇਤ ਦੀਜੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖੀ ਰੂਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਭ ਖਰੇ ਹੋਏ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀ ਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖਲੋ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੱਪ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਛਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਛਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਾਂ ਜੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਚਰਜ ਹੇਰਨ ਹੇਤ ਤਬ ਹੋਏ ਥਿਰ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਖਲੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਸੱਪ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ,
ਐ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਦ ਮੰਦ ਅਜਗਰ ਚੱਲੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਅਜਗਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੁੰਦਾ ਧੁੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਚਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਖਰੇ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸਗਲ ਨੇਰੇ ਤਬ ਆਯੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਤੇ ਪਨ ਹੀ ਨਿਸਕਾਯੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਾਗੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋੜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਜੇ ਵਾਲਾ ਚਰਨ ਜੀ, ਸੱਜੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਾ ਚਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਮਲ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ, ਉਹ ਚਰਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਚਰਨ ਜੋੜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਹਿਨ ਅੰਗੁਸ਼ਟ ਉਠਾਏ ਕਰ ਤਹਿਸੀਸ ਸੁਹਾਇਓ, ਉਹ ਸੱਪ ਐ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਜੇ ਚਰਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਚਰਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਰਾ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਐ ਸੱਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਚਰਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਹੈ ਕੋ ਪਰਸ ਬਹੁ ਪਾਪ ਮਿਟਾਇਓ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਪ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨੀ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੱਤਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਪਾਪ ਮੁਕਾਉਣੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਛੁਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸੱਪ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਨ ਸੀਸ ਭਾ ਉਧਰ ਲੱਗ ਮਰ ਗਾਤ ਤਕਾਲਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੀ ਕੀੜੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਲਮਾ ਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਲੱਗ ਕਾਟਤ ਨਿਤ ਜਾਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਚਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਬਸ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਜੀ, ਸੱਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਰਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਸ ਅੰਗੂਠਾ ਛੁਆਇਆ ਜੀ, ਸੱਪ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੁਤੋ ਆ ਮਿਖ ਤਿਸ ਖਾਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਦਾ ਦੇਤ ਸੰਕਟ ਅਧਿਕ ਬਸ ਚੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣਤੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸੱਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਕੀੜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਵੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ,
बड़ा दुखी सीगा जी बेचारा, बड़ा दुखी सीगा, बड़ा अंदरों दुखी सीगा जी। ओ अज गुरु जी का चरण लगन दे नाल सुखी हो गया जी, ओ पाप ही मुक गए सारे। हाँ जी, निकट खारे सब देखते सुन पहुंचे ताए। जदों सिख लागे खलोते सन महाराज कहते हुण वेख लो इनू आके कहन लगे हुण जो मर्जी कर लो ये शरीर छड चुका हुण जिहड़ा पहला पहला गल सोचेगा भी हदों की शिकार ते तुर पे। हाँ जी, पर वेख लो शिकार करन दा ते इक बहाना ही सीगा, करना तो एदा भला हैगा जी, इस सब का भला करना सी, शिकार तो एक बहाना सी सच्चे पातशाह ने बनाया जी। हाँ जी, सब सिख आके लागे वेखन लग पे जी उस सप नू, वड्डा शरीर कीड़े और शरीर दे अंदर चलन दे जी। हाँ जी, विधि चंद अर जोध आद और मह बिस्माए। भाई विधि चंद जी राय जोध सारे बड़े हैरान होए भी ये की लीला है। हाँ जी, बूझत कीने जोर कर एह इम किम आयो। ते दोवां ने हाथ जोड़े जी, तुही भी जोड़ो सारे, आखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, दोवां ने हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ के सच्चे पातशाह जी नूं पुछिया महाराज ये की कौतक है, महाराज ये कौन सी। हाँ, चरण शुभत ही आपको निज तन मुकतायो। ते सच्चे पातशाह आप जी दा चरण हेरे महाराज सच्चे पातशाह शरीर नाल छोया, इन्हें उसे वेले ही शरीर छड़ता, महाराज ये कौन सीगा, ये सप कौन सी महाराज। हाँ जी, परे किरम किम घने तन एह अचरज जोवा। हाँ जी, केहे कलमल के करे ते इम दुख फल होवा। सच्चे पातशाह इयों लगदा ए सप अपने केहे पाप करके दुखी हैगा, महाराज केड़ा पाप है इन्हें कीता। गुरमुखो एक गल ध्यान ना सुनो, अहीं ते बहुत वड्डे भागां वाले हां जी, एक माण भी बंदे नूं करना चाहीदा। गज के आखो वाहेगुरु, वाहेगुरु जी दी कृपा उत्ते जी। हाँ जी, गुरु जी दी कृपा उत्ते माण करना चाहीदा। साडे वड्डे भाग आपां गुरु जी दे सिख हां, गुरु जी दी बाणी सुणदे हां, गुरु जी दी बाणी पढ़दे हां ते अपनियां अखां नाल गुरु जी दे दर्शन करदे हां जी, संगत करदे हां। वड्डे भाग ने पर साध संगत जी एक गल ध्यान नाल सुन लो, बड़े ध्यान नाल की जी है। चलो आपां मनुखां साडे ते सतगुरु है ही, पर गुरु साहब सारिआं दे सांझे ने जी, सारिआं दे सांझे विच पशु भी आउंदे जी, पंछी भी आउंदे जी, हर कोई आ जांदा जी, महाराज सब दे सांझे जी। अजगर दा इन्ना वड्डा शरीर, इन्ना मोटा अजगर जी, हुण भी एहो जे वड्डे वड्डे अजगर वेखण नूं मिल जांदे जी। गज के आखो वाहिगुरु, हाँ जी, वड्डे वड्डे अजगर वेखण नूं मिल जांदे जी। इन्ना वड्डा शरीर ते दुखी होया पिया जदों गुरु साहब ने चरण छुआया, सिख पुछ रहे महाराज केड़ा पाप सी इहदा। हाँ जी, परे किरम किम घने तन एह अचरज जोवा, श्री हरगोबिंद सबन सो एह गाथ उचारी। महाराज सिखां नूं कहिंदे, कहिण लगे फिर बह जाओ सारे, कहिण लगे सारे सिख हेठां बैठ के सच्चे पातशाह जी महाराज कहिण लगे बड़े ध्यान नाल गल सुणिओ। गज के आखो वाहिगुरु, महाराज जी दसो। फिर गुरु साहब ने उस सप दे पिछले जन्म की कथा सुनाई जी, पिछले जन्म दी। हुण भावें जो कोई मर्जी आखी जाए जी, गुरबाणी इन्हां गल्लां दा हामी भरदी है जी, इन्हां गल्लां दी। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, हाँ जी, बहुत सारे इहो जिहे बचन ने जी। महाराज ने फिर उस सप दे पिछले जन्म दी कथा सुनाई, महाराज कहिंदे सुनो इहदे पिछले जन्म दी कथा। हाँ जी, पूर्व जन्म महंत इह बिद तयो जग पारी। ते दोवें हाथ जोड़ो ते गज के आखो वाहेगुरु। संगत जी इस प्रसंग नूं पढ़ के कन्नां नूं हथ लगदा जी, कन्नां नूं, खास करके साडे धार्मिक पुरशां दे। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई आ जिहड़ा सप है ना, सप पहले जन्म दे विच महंत सीगा, कहिण लगे छोटा मोटा महंत नहीं सी हैगा, बड़ा वड्डा महंत सी, कहिण लगे बड़े बड़े लोग इहदी पूजा करदे हुंदे सीगे जी। गज के आखो वाहेगुरु,
चार बंदे जिदी पूजा करन लग पैने रा मतलब वो माण ना करे जी। हाँ जी कुछ भी हो सकता जी, कुछ भी हो सकता। हाँ जी सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे बड़ा वड्डा महंत सीगा ए। हाँ जी जहों देश के नर मन्नता कर सीस निवावै, चारे पासियों मनुख आके इहदी पूजा करदे हुंदे सी, कहन लगे इहदे अगे आके सिर झुकाउंदे हुंदे सीगे। हाँ जी अनेक पदार्थ आन कर इस को अरपावै, ते अनेका ही पदार्थ इहदे अगे आके भेट करदे हुंदे सीगे। गज के आखो वाहेगुरू, कई पदार्थ इहदे अगे रखणे, इन्हें कई तरह के पदार्थ छकने कहन लगे। हाँ जी जिते किरम तन में परे सगले तब चेले, महाराज कहते सुनो ए बड़ा महंत सी, ते कहन लगे जिन्हें ये शरीर दे नाला कीड़े चिमड़े हुए ना कीड़े, गुरु हरगोबिंद साहब कहते सारे ये चेले सन। कहन लगे ओ भी पिछले जन्म च ये चेले ही गए जी। गज के आखो वाहेगुरु, गुरमुखो पूरे गुरु की निशानी ये है आप मुकत मुकत करे संसार। हाँ जी ते अधूरे ते फिर काचे गुरदे मुकत ना हुआ। महाराज कहिंदे आ जिहड़े कीड़े सन ना इहदे अंदर इहदे चेले बालड़े सी सारे, कहन लगे हाँ जी होए बड़ाई जगत मह इस हितकर मेले। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे हरी बड़ी वड्डी वड्याई सी जगत विच, कहन लगे ता एने बंदे एरे चेले बने हुए सी सारे। हाँ जी अहंकार उर मैं बड़ो मम सम नह दूजा, बस इस गल तो बचना चाहिदा। गुरु जी अगे अरदास महाराज सानू भी बचाउण जी। गज के आखो वाहिगुरु। हाँ जी खास करके धार्मिक पुरशां नू। हाँ जी महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे गुरसिखो ए इन्ना वड्डा महंत सी, ए विचार करन लगा भी मेरे वर्गा दूजा है ही और कोई नहीं हैगा जी। गुरमुखो ए ते रब दी मौज हैगी जी, जिरे मर्जी सिर ते हथ रख दे जी, जिरे मर्जी सिर ते हथ रख दे। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे बड़ा भलेखा सी इहनू, कहन लगे हां जी कर है देश सब बंदना चरणन की पूजा, देशां दे देश इहनू मत्था टेकदे हुंदे सी, एदे चरना दी पूजा करदे हुंदे सी। कहन लगे हां जी सिमरियो नह करता पुरख शुभ कर्म ना कीना, एदी ओ पूजा करदे सन पर इन्हें पता की कीता। अज के आखो वाहेगुरु। महाराज कहिंदे इस सप ने भाव महंत ने पूजा ही कराई, बस वाहेगुरु जी दा नाम नहीं जपिया। कहन लगे नाम जरूरी गुरमुखो, गल तो इत्थे आके टुकदी जी, जो मर्जी बंदा बन दे जी, ना वाहिगुरु जी का नाम जपया ते ना ही कोई चंगा काम इन्हें कीता। कहन लगे चंगा काम भी नहीं कीता, ना इन्हें वाहिगुरु जी का नाम जपया। आपां सारे जपी गए वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे चंगा काम भी नहीं कीता उन्हें। कहन लगे हां जी कर है देश सब बंदना चरणन की पूजा, सिमरियो नह करता पुरख शुभ कर्म न कीना, गन चेलन करबो भजन उपदेश न दीना। कहन लगे भाई इन्हें होर काम कीता, आप जपदा होवे ते किसे नूं जपण दा उपदेश दवे। कहन लगे बस माया ही खाधी। कहन लगे ना वाहिगुरु जी दा नाम जपया ते ना ही अपने चेलिया नूं आख्या भी नाम जपो। गज के आखो वाहिगुरु। जे किते चेले नाम जप लेंदे तो कीड़े थोड़ी बनने ही गए जी। हाँ जी उन्हां किते चंगी जून च होना सीगा जां मुक्त होना सीगा जी। महाराज कहिंदे ना इन्हें नाम जपया ना इहदे चेलिया ने ही जपया जी, इन्हें उपदेश ही नहीं दिता उन्हां नूं नाम जपण दा। ते गुरमुखो गुरु जिन्हां का अंधला, महाराज कृपा करदे गुरबाणी च, गुरु जिन्हां का अंधला सिख भी अंधे कर्म करेन, जिन्हां दा गुरु अन्ना होवे ना जी ओहदे सिख भी अन्ने ही कम करदे जी। गज के आखो वाहेगुरु। हाँ जी ते जिहदा गुरु सुजाखा है ओह फिर चंगे कम करेगा जी।
हां जी महाराज कहते ना इन्हें नाम जपया ते ना ही इहदे चेलिया ने नाम जपया। हां जी हंकारत ही मर गयो जूनी एह पाई, हंकार वेच ही मर गया कहन लगे बंदा, हंकार वेच ही ते मर के सप बनिया कहन लगे होना, सप बनिया। हां जी लोक पर लोक सुख ते रखे सो किरम समदाई, इन्हें अपने चेलिया नू लोक ते परलोक दे सुख तो वांझिया रखिया कहन लगे, वांझिया रखिया ता ओ कीड़े बन के अज इन्हू तंग करन दे कहन लगे। हां जी काट काट गन खात है नह इन्हें उदारा, गज के आखो वाहे गुरु। गुरमुखो संसार है बहुत कुछ इहदे विच गल्लां हैगियां ने ऐसियां, बंदे नू लेखा देना पैंदा जी, जो किसी को लिया जी लेखा तो देना ही पैंदा जी। हाँ जी चेलिया का भला नहीं किया हुण चेलिया अपना लेखा लेना जी। हाँ जी ओहो ही चेले कीड़े बन के अज नू वड़ वड़ खा रहे महाराज कहिंदे, ओ अपना हिसाब किताब इस जन्म विच पूरा करन दे कहन लगे। हां जी पलटा पूर्व जन्म को लेते इस बारा, पहले जन्म दा पलटा बदला सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे इस जन्म विच लै रहे हो। हां जी आप ना उधरियो जगत ते नह सिख उबारे, गज के आखो वाहे गुरु, फिर आखो जी वाहे गुरु, वड्डी वड्याई जिन्ना वाहे गुरु आखोगे ओना ही भला होएगा, फिर आखो वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे सिखो जेड़ा अपना ही नहीं भला कर सकदा किवें किसे दा करेगा भला कहन लगे। हां जी आप ना उधरियो जगत ते, ए आप तेरा उधार नहीं होया जगत तो, इन्हे अपने चेलिया की भी जान फसा के रखी दी, ए भी गुरु कृपा करे संगत जी बंदे नू गुरु ठीक मिल जे जी। हां जी पूरे दे लड़ लग्या फिर एहो जे दिन नहीं वेखने पैंदे, कीड़े नहीं बनना पैंदा, ओहदे ते माड़े भाग है गए सी ना जी, जेड़ा सप बनिया कीड़े जेड़े बने उन्हां दे भी माड़े भाग नाल ही सन जी। हां जी ना किसे नू एहो जिहा गुरु मिले ते ना ही कीड़ा बनना पवे जी गां जी। हां जी ए जूना बड़िया भयानक ने, गज के आखो वाहे गुरु। बंदा बहादुर जी का पहला नाम जिहड़ा सी माधोदास बैरागी, ते जिहड़े ओह सिख बने ही ना जी, महाराज बैठे ते सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे जिहड़ा तू सिख अपने आप नू समझदा जिहड़ा तू चेला समझदा, महाराज कहिंदे उस अंब विच कीड़ा बन के बैठा ही कहन लगे, ओहदे विच कहन लगे जा जा के वेख ला, जदों वाकई कटिया जी ते ओह निकल आया जी विचों। हां जी ते ओहो जिहां नू मन्नण वाले गां कीड़े ही बनणगे जी फिर। हां जी सो सच्चे पातशाह कृपा करन जिंदगी च गुरु पूरा लभ जे, गज के आखो वाहे गुरु। लभण की लोड़ भी कोई नहीं है कि सानू मिले हुए जी पूरे गुरु जी, आखो सारे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुर मेरा पूरा, 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 सतगुर मेरा पूरा। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे सिखो अधूरे दे लड़ लग्या कीड़े बनना पैंदा कहन लगे, कीड़े ते लड़ कीड़े बनना पैंदा। महाराज कहिंदे वेख लो एरे सब चेले कीड़े बन के इन्हू खा रहे होण। हांजी निज मनता के हेत कर शुभ काज विसारे, महाराज कहिंदे वेखो एरे मरे हो इन्हू खाई जांदे कीड़े कहन लगे, हुण ते मर गया पर ओह कीड़े नहीं इहदा साथ छड रहे, कीड़ा कीड़े फिर भी इहदे शरीर नू खाई जा रहे कहन लगे। महाराज कहिंदे अपनी मनता दे चक्कर विच अपनी पूजा दे चक्कर विच रब दी पूजा करन दा इहनू चेता भुल गया जी, गज के आखो वाहिगुरु। ते बड़ा ऐसा हुंदा जी बड़े धार्मिक पुरश तुरदे जी
बस इत्थे की आके खलो जांदे जी, अपने पसारे विच ही बज जांदे जी, अपने पसारे विच जी। बाबा कबीर जी कहिंदे, उह कहिंदे भी सिख साखा बहुते कीए, किसो कियो न मीत, चल इत्थे हर मिलन के बीचे अटके ओ चीत। हां जी, इन्ने चेले बना ले, इन्ने चेले बना ले, उन्हां च ध्यान लग गया, मिलना ते रब नूं सीगा, विच ही अटक के रह गया जी बंदा। गज के आखो वाहेगुरू। हां जी, ये कला धार्मिक पुरशां वास्ते नहीं, सारिआं वास्ते ही है जी। कले चेले नहीं, आपां मिलना ते रब नूं चाहुंदे आ, पर धंदे ही इन्ने कु हैगे जी संसार दे, धंदियां विच ही ध्यान लगा पिया, ध्यान उत्थे ही अटक के रह जांदा जी। हां जी, गां बंदा वधदा ही नहीं, तरक्की नहीं करदा जी। जिवें बाहर दे कम्मां च तरक्की है ना जी, ओवे इस काम विच भी तरक्की मिलनी चाहीदी। गज के आखो वाहेगुरू। वाहेगुरू। ओ किवें जी, पहला जिहड़ा गुरु का सिख पंज बाणियां पढ़दा है, तरक्की ये है पंज बाणियां दे नाल सुखमणी साहब का भी पाठ करे जी, ए तरक्की है जी। जिथे एक करदा उथे दो करे जी, ए तरक्की है जी। हाँ जी, वाहेगुरू वाहेगुरू जपे ते ध्यान लगन लग पे जी, ए तरक्की है जी। वाहेगुरू वाहेगुरू करदिआं मन निर्मल हो जाए, ये उहदे तों होर वड्डी तरक्की है जी। वाहेगुरू वाहेगुरू करदिआं इन्ना मन निर्मल हो जाए, किसी का दिल तोड़न का जी ना करे जी, ये होर वड्डी तरक्की है। गद के आखो वाहेगुरू। सो संगत जी, आ भी तरक्की चाहीदी बंदे तों नाल नाल जी। हाँ जी, इम सम की गत देख कर जे नह सिमरन ते, श्री नानक जी शब्द एक उचरियो हितवंते। महाराज कहिंदे सिखो, एहो जे सप्पां नूं वेख के ते एहो जे कीड़ियां नूं वेख के सानू भी वाहिगुरु जी का नाम जपना चाहीदा जी। गज के आखो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे सानू भी नाम जपना चाहीदा, सानू भी। फिर गुरु हरगोबिंद साहब ने ना जी उथे श्री गुरु नानक साहब जी का एक सलोक पढ़ के संगत नूं सुनाया जी। हाँ जी, सलोक महला पहला, कुल्हां देंदे बावले लैंदे वड्डे निलज। वाह बी वाह, तू ते बहुत चंगा, तेरे अलगा तो दुनिया च कोई नहीं हैगा जी। इहनूं कहिंदे कुल्हां देणियां जी, झूठियां तरीफां करनियां। गज के आखो वाहिगुरू। गुण नहीं हैगे, झूठियां तरीफां करी जाणियां करी जाणियां करी जाणियां। महाराज कहिंदे बावले कुल्हां देई जांदे ने, वड्डे नलज कुल्हां लई जांदे ने जी। गज के आखो वाहिगुरू। हाँ जी, जिहड़ा वड्डा नलज है, नलज पता किहनूं कहिंदे जी? हाँ जी, आपां घरां च आम ही शब्द वरतदे, बेशर्म नूं कहिंदे जी नलज जी, लज्जा ही नहीं जिहनूं हैगी जी। महाराज कहिण लगे वड्डा नलज उहनां कुल्हां नूं लई जांदा जी, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵਈ ਤਿਲਕ ਬੰਨੈ ਛੱਜ। ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵਨੀ ਤਿਕਲ ਬੰਨੈ ਛੱਜ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। महाराज कहिंदे भाई चूहियां दी मीटिंग होई जी, चूहियां दी, सारे चूहे इकट्ठे हो गए। वह कहन लगे भी साडे जिवें हर एक दा प्रधान हुंदा, साडे चूहियां विचों वी एक ना एक बंदा प्रधान होना चाहीदा, एक ना एक चूहा प्रधान होना चाहीदा जी। उम्मीदवार ते बड़े चूहे उठे जी, एक चूहे नूं प्रधान बनाता जी चूहियां ने इकट्ठे हो के, भी तू साडा प्रधान, मोटा ताजा चूहा जी। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੱਜ ਬੰਨਿਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਪਿੱਛੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਛੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੱਜ ਬੰਨਿਆ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੂਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੂਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ते चूहा प्रधान जी तुरे फिरन जी होर चूहे तुरे फिरन ते उतो बिल्ली आ गई जी कह के आखो वाहेगुरु। हां जी जदों आई बिल्ली ते सब आप अपनी खुडां च जाके वड़ गए भी ये मासी सानू खा ना जाए जी। हां जी ते प्रधान जी आ गए जी फस गए जी फिर प्रधान जी कह के आखो वाहेगुरु। जेड़ा चूहा प्रधान जी नलज की मैं गल कर रहा नलज की जिस गुरमुख के जीवन च भै भाव नहीं है वह श्रेष्ठ ही है जी। प्रधान का अर्थ श्रेष्ठ है श्रेष्ठ। हाँ जी रब को सिमरहे से पुरख प्रधान वह बंदे श्रेष्ठ हो जाते जेड़ा वाहेगुरु जपते जी चारे पासे मनी जाती जी उन्हों की। पर चूहा प्रधान जी ने फिर पता की किया जी उन्हें पिछे बजया ही छज जी खोड च वड़न ते छज वड़न दी दवे जी कह के आखो वाहेगुरु। बिल्ली ने मारी झपट ते चूहा जी नू फिर लंडिया कर दिता जी उन्हें जी। हां जी पिछों पूछ भी टुट भज गई जी ते आप भी फिर बिल्ली दे पेट विच गए जी। ओ जी महाराज कहन लगे झूठियां तारीफां सुनन वाले बंदे इसे तरह दे ही हुंदे कहन लगे। हां जी देन दुआई से मरे जिनको देन न जाहे ते सच्चे पातशाह कहंदे देन दुआई से मरहे जिनको देन से जाहे। सच्चे पातशाह कहन लगे झूठियां तारीफां करन वाले बंदे भी नाश हो जांदे ते जिदे झूठी तारीफ हुंदी ओ भी नाश हो जांदा जी। गज के आखो वाहेगुरु। बचदा नहीं कोई कहन लगे जिदी हो रही है उन्हें भी नाश होना जेड़े कर रहे उन्हें भी नाश होना। जिमें इस महंत ने अपनी पूजा कराई वह सप बन गया जिन्ना कीती वह कीड़े बन गए जी। हां जी नई किथे जाए समाहे महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ए नहीं जाणिया जा सकता भी हुण किथे तुरे फिरदे चूहा जी है वह तो बिल्ली दे ढिड च नहीं रही। हां जी हुण आम बंदे नूं उहनां दे दर्शन नहीं हो सकदे जी अज के आखो वाहेगुरु। भाव ए भी आम बंदा वेख नहीं सकदा जी उहनां नूं। सो सच्चे पातशाह महाराज ने सिख्या दित्ती सिखो जिथे मर्जी पहुंच दिए वाहेगुरु जी का नाम जपना चाहीदा शुभ कर्म जिंदगी च करने चाहिए। हां जी कर ना सके अपनो भला गुरमिल पाए ना ज्ञान और अंधे अहंकार ते नह प्रभ सिमरन ठान। सच्चे पातशाह कहंदे अपने अंदर हनेरा जी अपनी कोई प्राप्ति नहीं ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਜੀ ਆਪ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਿਤ ਮਨਤਾ ਕਰ ਜਤਨ ਬਹੁ ਚੇਲੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਣਾਏ ਹਾਂਜੀ ਤਿਨਕੀ ਹੋਵਤ ਅਸ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਪਰਮਾਏ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜੂਨਾਂ ਚ ਭੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ महाराज ने आख्या गुरु साहब कृपा करन साडे जिन्ने भी धार्मिक पुरश ने सानू सारिया नू समत मिले संगत जी गज के आखो वाहेगुरु। वाहेगुरु बहुत वार ते प्रसंग छड दिता जांदा जी क्यों गल मेरे ते आ जाएगी जी। हाँ जी गल साडे ते आ जांदी जी उपदेशकां उत्ते। गुरमुखो सतगुरु कृपा करन शुभ काम करिए वाहेगुरु जी का नाम जपीए। हाँ जी ते आप भी गुरु जी दे लड़ लगीए ते आपा सारे ही गुरु जी दे चंगी तरह घुट के चरण फड़िए जी गज के आखो वाहेगुरु। अपनी जिंदगी विच गुरु जी दा ही आसरा रखना वेखो बहाना ते बनाया शिकार दा जी। हाँ जी पर कीता सप दा भला जी सच्चे पातशाह ने। हाँ जी नहीं ते उन्हें तड़फदे रहना हैगा जी बड़ा तड़फना ही उन्हें जी जिवें ओह भी उड़ीकण ही दिया होवे आवाजा ही मारन दिया होवे भी सच्चे पातशाह आओ ते मेरा उधार करो। इर तो बाद अगला इतिहास आप कल नू सरवण करांगे बेअंत भुल्लां होईयां ने आप जी माफ कर दिओ संगत जी ते बड़े ही प्यार दे नाल दो कु मिंट जितना कु समां रह गया वाहिगुरू वाहिगुरू जपीए फिर खेवा मंगांगे सब संगता प्रेम नाल आखो जी वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहेगुरु 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 बेअंत प्रकार दियां भुलना चुकां दी खिमा जी आप समूह संगत बख्श लियो जी भुलना चुकां दी खिमा बख्शिश करनी जी दोवें हाथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।